अगर आपको सिस्टम डेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे मेरा सिस्टम डेट जो है वो है 7/24, मतलब कि MMDD। तो पहले मैं मंथ दूंगा, देन यहाँ मैं ईयर दूंगा, डेट दूंगा। ईयर डालने की जरूरत नहीं, अगर करेंट ईयर है तो एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। लाइक हमारे पास ऑलरेडी टुडे का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट देता है, नाउ का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों देता है। अगर किसी डेट में से अगर मुझे मान लीजिए कुछ पीरियड अलग करना है, ईयर अलग करने के लिए ईयर का फॉर्मूला जो कि ईयर अलग करेगा, मंथ अलग करने के लिए मंथ का फॉर्मूला जो कि मंथ अलग करेगा, और डे अलग करने के लिए डे का फॉर्मूला। उसी तरह से यहाँ आवर अलग करना है तो आवर का फॉर्मूला, मिनट अलग करना है तो मिनट का फॉर्मूला, एंड सेकेंड अलग करना है तो सेकेंड का फॉर्मूला। फिर आपको कंबाइन करना, जैसे डेट बनाना, तो हमने यहाँ पे ईयर ले लिया, मंथ ले लिया, तो एंड डे ले लिया। उसी तरह से टाइम को कंबाइन करना है तो टाइम लिया, इसमें आवर मिनट सेकेंड, तो आपका टाइम बन जाए। अब बात करते हैं, जैसे कि आज का डेट है उसे मुझे 20 दिन जोड़ने हैं, तो बी जस्ट हम प्लस कर देंगे, 20 दिन माइनस करने हैं तो सेम, तो माइनस भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और मुझे एक मिनट दीजिए, एक मिनट प्लीज, सॉरी सर। तो ये आपका हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक डेट, किसी डेट में मुझे 3 महीने जोड़ने हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला ई डेट का, ई डेट कॉमा 3, एंटर प्रेस करेंगे, आएगा डेट कुछ इस तरह से आएगा, इस पर आप कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए तो डेट बन जाएगा। अगर माइनस करने हैं तो सेम हम ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसमें माइनस के साथ इसको सेलेक्ट, अगर ये प्लस में है तो आपका ये माइनस हो जाएगा। लेकिन मुझे आज के डेट में मान लीजिए कि 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम इस आवर मिनट सेकेंड का जो मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देखिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए राजू जी। यहाँ हम डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट को चाहिए ईयर 2024, मैनुअल नहीं लिखेंगे हम, ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से ईयर अलग करेंगे और इसमें प्लस 4 कर देंगे। तो ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से 2024 अलग कर देगा, उसमें हम 4 जोड़ देंगे। देन आता है मंथ का फॉर्मूला, जो इसमें से मंथ जो है 7 अलग करेगा, उसमें प्लस 4 कर देंगे। देन आता है फॉर्मूला डे, इसमें से डे अलग होगा 22, इसमें प्लस 22 ऐड कर, 22 है। एंटर मारिएगा तो आपको मिल जाएगा डेट कुछ इस तरह से, इस पे कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, नंबर आ जाएगा 16 दिसंबर 2028, 16 दिसंबर 2028, ठीक है। अब आते हैं हम टाइम पे, कि टाइम में कैसे ऐड करेंगे। जैसे अगर अभी मैंने अभी का टाइम लिखा यहाँ पे, मुझे इसमें मान लीजिए 20 मिनट जोड़ने हैं, तो या 2 घंटे 20 मिनट जोड़ने हैं, तो 2 घंटे 20 मिनट टाइम फॉर्मेट में लिखा है, 2 घंटे 20 मिनट, तो हम इसमें एडली जोड़ लेंगे, तो 12 यहाँ आपका बच जाएगा। उसी तरीके से मुझे सिर्फ 20 मिनट जोड़ने हैं, तो 20 मिनट मिनट के फॉर्मेट में होगा, इसमें हम इसको प्लस कर सकते हैं सिंपली। लेकिन अगर 20 अगर नंबर फॉर्मेट में हुआ, तो जैसे हमने यहाँ पे डेट फॉर्मूला लगाया है, ऐसे यहाँ पे मुझे टाइम फॉर्मूला लगा, टाइम यहाँ पे नहीं, इसमें टाइम नहीं, यहाँ इसमें हम करेंगे सेलेक्ट प्लस और टाइम, टाइम के अंदर 0.20, सेकेंड देना सेकेंड, आवर देना आवर, जो देना दे के एंटर मार दीजिए, ऐड हो जाए। अब बात करते हैं डिफरेंस, जैसे 1 तारीख, एक तारीख और आज की डेट में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए आपको लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आपके पास डेज का फॉर्मूला है, इसमें लेटेस्ट कॉमा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में मुझे सैटरडे संडे नहीं चाहिए, तो हम
नेटवर्क डेज लेंगे जहां पे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट इस सैटरडे संडे के अलावा कोई होली ले लिस्ट है 15 अगस्त 26 जनवरी उसको भी यहाँ कॉमा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। 148 दिन आया, लेकिन मेरी कंपनी संडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे नहीं होती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला इसका, नेटवर्क डेज में यहाँ पे नेटवर्क डेज डॉट आई एन, इसको स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे अपना वीकेंड सेलेक्ट करना हो। यहाँ पे 11 नंबर पे हमारा संडे ओनली है तो 11 टाइप कीजिए, या फिर टैब से सेलेक्ट कर लीजिए एंड कॉमा होली लिस्ट अगर है तो डाल दीजिए, तो सैटरडे संडे इग्नोर करके आपको 170 देगा। तो दो डेट के बीच के डिफरेंस नॉर्मली निकाल सकते हैं, सैटरडे संडे छोड़ के निकाल सकते हैं विथ होलीडे एंड ऑल्सो संडे विथ होलीडे आप छोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आज मैंने एक कंप्लेन किया बैंक को, बैंक ने बोला कि 16 वर्किंग डे लगे, 16 वर्किंग डे, तो क्या करें, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम इसका वर्क डे का, इसको सेलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और साथ में होली डे सैटरडे सैटरडे मंडे जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये बताएगा कि 16 वर्किंग डेज बाद सैटरडे संडे होलीडे छोड़ के कौन सा डेट आएगा, नंबर्स में आएगा। अब इसको इस तरह से फॉर्मेट कर दीजिए, अगर सैटरडे संडे नहीं संडे संडे छुट्टी है तो सेम वीक डे डॉट आई एन डी यहाँ पे वर्क डे, सॉरी वर्क डे, workday.intl सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे होली डे जैसे 11 है तो 11 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर, फिर कंट्रोल शिफ्ट कर दीजिए हैश ताज। उसके अलावा यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी डेट डाला, मुझे इस महीने का लास्ट डेट चाहिए, तो इसके लिए ईओ मंथ एंड ऑफ द मंथ लगाते हैं, और जीरो मतलब क्या हुआ कि उसी लास्ट डेट, अगर जीरो के जगह पे मैंने कर दिया यहाँ वन तो क्या होगा अगले महीने, ठीक है। तो ई एंड ऑफ द मंथ ईओ मंथ का यूज क्या होता है, लास्ट डेट देने का शो करता है, क्लियर है। अब दो टाइम के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे सुबह मैं ऑफिस गया 8 बजे और अभी मैं ऑफिस से आया, कितना घंटा काम किया, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट। लेकिन मैं आज दोपहर में ऑफिस गया और रात में 3 बजे ऑफिस से आया, तो ये माइनस करेंगे तो गलत होगा, क्या करना होगा, डेट एंड टाइम के साथ लिखना होगा, नहीं तो प्लस करना होगा। दो तरीके हैं, एक तो है कि आज तारीख है स्लैश 24 को मैं 14 बजे ऑफिस में गया और 7/25 को 3 बजे ऑफिस से आया, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं, या दोनों अलग अलग लिखा है तो इसको आपस में क्या करेंगे आप, सॉरी इस पे मुझे लगाना पड़ेगा टाइम का, अब कुछ आता है टाइम फ्रिक्वेंसी, जैसे कि 1 तारीख को मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और आज खत्म किया, तो हम साल भर का करना था तो कितना परसेंट का हमने यूज किया, तो होता है ईयर फ्रिक्वेंसी, क्या होता है ईयर फ्रिक्वेंसी, ईयर में स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंटर मारिए बता देगा 56% यूज हो चुका है। उसी तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे डेट आपने यहाँ डाल रखे हैं, मुझे इसका वीक पता करना है, वीक डे, तो यहाँ पे वीक डे के लिए, वीक डे के लिए आप लगाइए तो यहाँ बता देगा कि वीक का चौथा दिन पांचवा दिन, या फिर कॉमा यहाँ दीजिए कि मेरा मंडे से शुरू है तो 2 कर दीजिए, 2, तो ये आपका आज वीक का तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है। आपको संडे मंडे ट्यूजडे में चाहिए तो उसके लिए तो टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कस्टम फॉर्मेटिंग के साथ, इस तरह से डी 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 3 बार डीडी कीजिए, आ गया वेनसडे। उसी तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज किया वीक नाम, ये बताएगा
साल का कौन सा वीक चल रहा है? साल का 30वां वीक चल रहा है, 28 को 31वां शुरू हो जाए, तो वीक नंबर बताता है। तो इसके अलावा आते हैं हम अपने फॉर्मूले में डेट एंड टाइम के अंदर में, अब यहाँ पे एक चीज और आता है, जैसे कभी कभी डेट जो है टेक्स्ट में लिखा होता है इस तरह से, इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए डेट वैल्यू, टाइम में कन्वर्ट करने के लिए टाइम वैल्यू, ठीक है। तो ये थी हमारी डेट की फॉर्मूला, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम हो सकता है तो आपको लुकअप रेफरेंसेस कराएं या फिर एक टेस्ट दें, तो आप लोग बताइएगा कि आपको टेस्ट करना है, मतलब या कुछ टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करने हैं या फिर टॉपिक पढ़ना है, उस हिसाब से हम पढ़ा दें, ठीक है।